नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में सिद्धार्थ वानखड़े, जो फिलहाल अभी भाजपा में हैं और एससी वर्ग के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव हैं। 2014 में दरियापुर मतदार संघ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और विद्यार्थी जीवन से शिवसेना के साथ में जुड़े थे। फिलहाल अभी भाजपा के साथ राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे। नाम लोकसभा में चुनाव लड़ने का सिद्धार्थ वानखड़े का भी चल रहा था, लेकिन यहाँ की सीट जो वर्तमान खासदार है, ऐसा अभी भी बताया जा रहा है कि बीजेपी से लड़ेंगी, इसलिए शायद नाम नहीं गया या और कोई कारण, ये तो उनसे जानेंगे। अमरावती शहर में जातिगत राजनीति का समीकरण और क्या जातिगत राजनीति उम्मीदवार पर हावी होती है, क्योंकि मतदार संघ भी एससी कैटेगरी का, यहाँ पे तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण की बात होगी, लेकिन किस प्रकार हावी, जातिगत भी होती है, धार्मिक रूप से भी होती है, ऐसे में उचित उम्मीदवार का चयन कैसे होता है, जानते हैं सिद्धार्थ जी से, क्योंकि पूरे मतदार संघ की हर प्रकार की जाति व्यवस्था, हर प्रकार की धार्मिक व्यवस्था, वहाँ की स्थानीय व्यवस्था, क्योंकि अमरावती का व्यक्ति अलग सोचता है, परतवाड़ा का अलग सोचता है, चांदूर बाजार का अलग सोचता है, सब लोगों की अपने अपने अलग आवश्यकता है। ये सारी आवश्यकता और सारी जानकारी की उन्होंने अभ्यास किया हुआ, आज जानते हैं कि किस प्रकार अमरावती का मतदाता रिएक्ट करता है चुनाव के समय में। सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्कार। चूंकि आप शिवसैनिक, शिवसेना से कांग्रेस और कांग्रेस से अभी भाजपा, सभी राजनीतिक पार्टी का आपने पूरा पूरा आनंद लिया या टेस्ट किया कि किस प्रकार की पार्टी है जी। अभी नजदीक में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ की जो सीट है रिजर्व है, तो ये जातिगत समीकरण, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि सही उम्मीदवार का चुनाव होना चाहिए, समीकरण के कारण सही उम्मीदवार मिलता है नहीं मिलता है, या जो उम्मीदवार है उसमें से ही सही चुनना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन चार रहते, चार में से एक चुनो, उसमें से सही चुनना, तो आमतौर पर जनता बहुत भ्रमित हो जाती है कि हमने किसे चुन के देना है, जिसको चुन के जाओ वो पार्टी बदल देता है, पार्टी को चुनाव रहेगा कि व्यक्तिगत चुनाव रहेगा, और इसमें जनता किस प्रकार से सोचती है और उसका क्या नफा नुकसान होता है। पहले तो सोची, जैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपने जैसे पहले निवेदन में बोला है कि नाम चल रहा था, लेकिन लोग बाग बोल रहे हैं कि अभी राणा जी पार्टी पे रहेंगी वगैरह। एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अकेला मेरा ही नाम चल रहा है जी। मैं अकेला पदाधिकारी हूँ। आज भी लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में भाजपा की अमरावती की तरफ से आपका नाम आ गया। कि हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हो कि लोकशाही आधार पर पार्टी चलती है, हमारे पार्टी के सर्वे होते हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की पूछताछ होती है, हमारे पार्टियों के जो उम्मीदवार, संभव उम्मीदवार, उसके बारे में लोगों को भी पूछा जाता है, वो जो सर्वे है या फिर हमारे पदाधिकारियों जो है, हमारे जिले के जो बड़े पदाधिकारी, उन सबों ने मेरा नाम दिया है, पर पार्टी में से आज मेरा ही नाम है, इसलिए मैं ये कॉम्पिटिशन से बाहर नहीं हूँ, बल्कि मैं अव्वल नंबर पर हूँ, इसलिए कि दूसरे जो आप नाम ले रहे वो हमारे पार्टी से अभी कोई संबंध ही नहीं रखते। नहीं, ऐसे तो संबंध है, अब क्या है? सारी जो अभी चर्चाएं चल रही है, खासदार अभी नागपुर में वहाँ पे सभा थी तो वहाँ गई है, बात होती है और सब जगह चर्चा चल रही है कि बीजेपी से यदि चुनाव का जो उनका कोर्ट का परिणाम है यदि उनके पक्ष में आता है तो बीजेपी से टिकट। पहले तो लोगों को बताया गया था कि हम भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं जी। राणा जी ने बताया था कि हम भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन 4 तारीख को मैंने पूछा राणा जी से, ऐसा कहीं किसी को कहा नहीं, पेपर वालों ने छाप दिया, बोले हाँ, तो वही लोगों को आपके माध्यम से ही मालूम होता है, वो तो किसी के कान में जाके बोलते नहीं या कोई भी मैं बोलता नहीं, जो पता चलता है तो आपके माध्यम से ही पता चलता है, तो माध्यमों ने बताया कि प्रवेश ले रहे, अगर कोई बात चलती है तो उसमें थोड़ा बहुत तो सच या झूठ होता ही है, ये आप सब जानते हैं, तो वो प्रवेश लेने के दिन, जिस दिन 4 तारीख को नागपुर में प्रोग्राम हुआ हमारे युवा मोर्चा का, वहाँ पे हमारे अध्यक्ष बावनकुड़े जी ने सीधे से बता दिया कि उनका हमारे पार्टी में प्रवेश नहीं है, वो सिर्फ NDA का घटक करके अपने स्टेज पर है,
और वो एनडीए का घटक वहां पे बने थे आज तक। क्या है, उस दिन बयान तो दे दिया, लेकिन कई कई बार को कैसा होता है, एक बयान देते सभ्रम स्थिति निर्माण होती, उस दिन प्रवेश नहीं कि प्रवेश ही नहीं है, नहीं कैसा है गुड़ी जी का क्या कथन का मतलब, क्या कभी प्रवेश ही नहीं देंगे कि उस दिन नहीं है सिर्फ? उस दिन जो लोगों में चर्चा थी कि 4 तारीख को प्रवेश हो रहा, 4 तारीख को प्रवेश होने का बावन कुड़े जी ने बताया कि आज उनका प्रवेश नहीं है, आगे हो सकता, वो पार्टी का निर्णय है, हो सकता है नहीं हो सकता है। और रही दूसरी बात, आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो पूछा है वैलिडिटी का उनका, तो मुझे लगता है कि वो कोर्ट मैटर है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आप या हमारे जैसा तो उसमें कोई निर्णय देना ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आएगा वो आपको भी मान्य पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमको भी मान्य करना पड़ेगा। लेकिन निर्णय आने के बावजूद भी लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं वो भाजपा से लड़ेंगे, तो वो पार्टी जो है, मैंने पहले बोला कि हमारी पार्टी लोकशाही पे चलने वाली पार्टी है और सब निकष देखती है, क्योंकि हमने जो 400 पार किया है, वो जो आंकड़ा लोगों से मांग की है और जो कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि अब की बार मोदी जी की सरकार और वो भी 400 पार, तो 400 पार लाने के लिए एक एक उम्मीदवार जो हमको देखना पड़ता है, तो पार्टी का सर्वे भी उसमें पार्टी देखेगी कि कौन आदमी चुन के आता है। वैसे तो बहुत सारे बोलेंगे कि मैं कल जाऊंगा पार्टी में और मुझे टिकट मिलेगी और मैं चुन के आऊंगा। हाँ, आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि आपकी पार्टी तो लेती है ना कोई भी जो उम्मीदवार, रोज रोज कांग्रेस वाले भी लेते हैं सब, इसमें तो कोई ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई आपकी पार्टी में अच्छा व्यक्ति आना बोले नहीं नहीं हम तो नहीं लेंगे करके। अभी अभी अशोक चौहान को अपने कांग्रेस पार्टी पार्टी प्रवेश लेती है जी, पार्टी में सभी को आना, उसको टिकट के लिए लेता है ना, जैसे अशोक राज चौहान ने लिया राज्यसभा के जाने के लिए, आपने प्रवेश दिया और टिकट दे दिया और चुन के ले आया। राज्यसभा में जाना और लोगों में से चुन के आना, राज्यसभा में जाने का हमारा वो पार्टी और अच्छे चेहरे तो लगते है ना पार्टी को, वो पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो पार्टी की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि एक बड़ा आदमी लेके उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। लेकिन लोगों का चुनाव जो है, लोगों का चुनाव में से जो प्रतिनिधि चुन के देना है, वो प्रतिनिधि का भी देखना चाहिए कि यह आदमी चुन के आता है या नहीं आता है। ये पार्टी का जो कैलकुलेशन है उसमें बैठने वाला अगर आदमी है तो पार्टी विचार करेगी, अगर पार्टी के पास ही चुनाव जीतने वाला आदमी है तो पार्टी ये विचार किस लिए करेगी। अभी क्या लगता है आपको कि नवनीत राणा बीजेपी में आ गई तो आपका तो चांस चला जाएगा, तो आपको लगता नहीं कि जो मूल के कार्यकर्ता है, जो है आप 5 साल से जुड़े हुए हो, ग्राउंड से जुड़े हो, बीजेपी के हर प्रोग्राम में रहते हो, सारा रहते हैं, ऐसे समय में आपके टिकट नहीं देना, उनको टिकट देना, कई बार ऐसा अभी दूसरे जो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं आप बार 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 बाहर से जो ले रहे, तो दबाया किसको जा रहा है खुद के? देखिए देखिए, नवनीत राणा जी अगर पार्टी में आती है, आने के बाद भी टिकट मिलेगी ऐसा तो किसी ने बोला नहीं, क्यों आएंगे फिर वो? तो कैसा है कि उसके और कई कारण हो सकते हैं, पार्टी में आने के खाली लोकसभा ही कारण नहीं हो सकता, दूसरे भी और कोई कारण हो सकते हैं कि उनको पार्टी में किस लिए आना है और किस लिए वो आ सकते हैं, तो वो तो उनको आना पता नहीं, है आना भी तय नहीं है। हाँ, अभी आना नहीं आना तय है बेसिकली, और आना भी है तो किस लिए आना है वो भी उनको पता है, लेकिन टिकट के लिए आना और टिकट ही उनको मिल जाएगी ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि पार्टी के पास सक्षम उम्मीदवार अभी भी है, लेकिन पार्टी सोचेंगी और वो अगर मिलती भी है टिकट या ना मिलती है तो फिर वो पार्टी का निर्णय है, हम तो पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है, पार्टी के बलबूते पर हम जी रहे, हमारा जो नाम सम्मान है पार्टी का है, इसलिए पार्टी जो निर्णय उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन आज के तारीख में मैं ये सोचता हूँ कि मैं पार्टी का उम्मीदवार हूँ और मैं वो काम करना देनी चाहिए, पार्टी ने टिकट देनी चाहिए, और वैसा कैसा है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते, पार्टी का कैलकुलेशन रहेगा, उनको लगता है कि सिद्धार्थ वानखड़े अपना उम्मीदवार है तो पार्टी देंगी, नहीं देंगी तो हम तो कार्यकर्ता के रूप में काम कर ही रहे हैं। भाजपा के पास में इतने दिन से उम्मीदवार था, भाजपा ने हमारा लोकसभा का उम्मीदवार या कहीं पर भी तो प्रोजेक्ट नहीं किया अमरावती में, कि नहीं हमारे पास में उम्मीदवार है, कहीं आपका नाम ले लगे सिद्धार्थ वानखड़े उम्मीदवार है, कहीं पोस्टर लगे, फोटो लगे, कहीं प्रेस नोट जारी हुई, किसी बड़े लीडर ने दिया, नागपुर में अभी आए थे अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, बोल सकते थे हमारे पास में तो ये लीडर है, तो नवनीत राणा के तो प्रवेश करने की बात ही नहीं। भाजपा ने पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में किसी का भी नाम प्रोजेक्ट नहीं है कि ये हमारा उम्मीदवार है, तो अमरावती का क्यों करेंगे? सीधी लिस्ट जाहिर नहीं कर दी, पहली लिस्ट जो जाहिर की वो तो नेता है, आप सबको पता है कि जनता भी जानती है कि वो सब नेता है,
और नेताओं की पहली लिस्ट है, महाराष्ट्र की कोई लिस्ट नहीं है। हमारे बड़े लीडर जो है, हमारे आदरणीय नितिन जी, उनका भी नाम नहीं है, मतलब महाराष्ट्र की कोई लिस्ट ही जाहिर नहीं की। और महाराष्ट्र की लिस्ट जाहिर करने का उनका जो हमारे पार्टी का तरीका है, उनमें से वो प्रोसेस चल रही है, उनमें से हमारा नाम है, जैसे पदाधिकारियों में से नाम जाता है, जैसे हमारे जिला के नेता के नाम से जाता है, उसमें नाम है। वो वरिष्ठ नेता तय करेंगे किसको देना है, किसको किसका कैलिबर क्या है, कौन चुन के आता है, क्योंकि एक एक चीज़ की जो सीट की जो आवश्यकता है उसके तहत तो टिकट बांटेंगे। ऐसे समय जनता की क्या उम्मीद रहती है कि किसको, यानी रेगुलर कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए या बाहर से कोई आया उसको टिकट देनी? जनता क्या सोचती है? जनता तो शुरू से ही चाहती है कि उम्मीदवार जो भी हो वो लोकल रहे जी। उसके बाद ऐसा कि उनमें का रहे, यानी अभी आप आनंद राव जी भाजपा में आने का चाल कर रहे थे, आप बोल रहे कि वो लोकल नहीं है, वो तो आप देखिए मोदी जी का नारा ही है कि वोकल फॉर लोकल। हमारे वरिष्ठ सबसे नेता है, उनका नारा ही है कि लोकल फॉर वोकल, मतलब जो चीज़ है जब हमारे पास लोकल है तो आप देखो ना, महाराष्ट्र में किसी भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बाहर का उम्मीदवार नहीं है तो अमरावती में क्यों आएगा? तो जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का सुन रहे साहब का कि वो पुणे से चुनाव लड़ेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व है। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के लोकल चीज तो रहती है ना सर जी, महाराष्ट्र का नेतृत्व होने के बाद में खुद का जो स्थानीय मतदार नहीं कैसा है। आप मोदी जी के बारे में, देवेंद्र जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि मोदी जी तो गुजरात से है, गुजरात के रहे और आज वाराणसी से लड़े, तो उनका तो पूरा भारत है और लोगों के चाहने वाले, उनके चाहने वाले पूरे भारत भर है। हमारा वैसा ही नेतृत्व तो महाराष्ट्र का आदरणीय देवेंद्र जी का है। देवेंद्र जी कोई नागपुर सीमित नहीं करता, देवेंद्र जी को मुंबई सीमित नहीं करता, अमरावती सीमित नहीं करता। देवेंद्र जी का तो इतना बड़ा काम है कि उनकी चाह सभी हो रहे। वो तो पुणे अगर लड़ते हैं वो तो मुझे पता नहीं, फिर भी आप मुझे बता रहे हो अगर होता है तो पुणे का भाग्य है कि इतना बड़ा टैलेंट आदमी उनको अगर मिलता है तो। मैंने तो अभी नहीं सुना आपने बोला है, फिर भी वो लोग जो बड़े लोग हैं वो छोड़ के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है हमारे, जैसे कि जो जिलों में काम करते हैं, समझो अमरावती स्थानीय लोग जो बोलते हैं, वो स्थानीय लोग कभी अमरावती का नगर में नहीं मांगेगा, अगर नगर की सीट कभी सोलापुर में नहीं जाएगी। इसलिए अमरावती में भी मुझे लगता है कि जब अमरावती में है अपने उम्मीदवार तो अमरावती की दिए जाए। मोटा मोटी जो लीडर रहते हैं, जैसे कांग्रेस के समय से भी चलते आए, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ से वाशिम से खड़े रहते, नरसिम्हा राव वर्धा से खड़े रहते थे यहाँ से, तो इधर आके लोग रामटेक से खड़े थे, तो इधर आके तो ये लीडर लोगों का शिफ्टिंग होता है इधर, व्यक्तिगत रूप से आपका कहना है कि शिफ्टिंग नहीं होता है? एक्चुअली क्या, कांग्रेस की पॉलिसी अलग है और बीजेपी की पॉलिसी अलग है। मैंने जैसे ही बोला कि हमारा केंद्रित सर्वोच्च नेतृत्व जो है, मोदी जी ने बताया है कि वोकल फॉर लोकल, कोशिश यही रहती है कि देखिए हमारी पार्टी जब दो से इतने दूर सर्वोच्च स्थान पर आई है तो वो उन्होंने लीडरशिप पैदा की है, वो लोकल में से ढूंढते हैं, क्योंकि लोकल की लोगों की मांग रहती है। अभी यहाँ पे जो रिजर्वेशन क्षेत्र है, अभी 2002 से परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन हुआ, उसमें से 10 साल माननीय अरसुल साहब ने, 5 साल नवनीत भाभी जी के लिए, और वो 5 साल उनका तुम्हारा कास्ट वैलिडिटी का चला, 10 साल। लोगों की मांग है कि यहाँ के लोकल्स जो प्रॉब्लम है, यहाँ लोकल लोकल्स के प्रॉब्लम है, अंजन गांव के प्रॉब्लम कुछ अलग है। मैंने बताया सूरत हर जगह बरोबर है व्यवस्था, हर जगह लोगों की प्रॉब्लम, हर लोगों की डिमांड सब जगह अलग अलग है। मेलघाट लोगों की अलग है, परतवाड़ा की अलग है, मेलघाट के प्रॉब्लम अलग है। तो मैं सोचता हूँ कि जो आदमी यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पला बड़ा हुआ, वो ये प्रॉब्लम से वाकिफ है। मेरा नेटिव अंजन गांव रह चुका है, मैं देखा हूँ शाहनूर नदी का क्या प्रॉब्लम है, वहाँ के हमारे किसानों का क्या प्रॉब्लम है, वो पिंपरी खेती करते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है, मेलघाट का क्या प्रॉब्लम है, वहाँ के हमारी उपलब्धियाँ क्या है, हमारा वहाँ पे रोजगार निर्माण हो सकता है तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं वहाँ आ सकते हैं, अमरावती में जो अलग प्रॉब्लम है, तो अलग अलग क्षेत्रों की जो जो प्रॉब्लम है जो लोकल आदमी को ज्ञात होते हैं वो बाकी लोगों को नहीं होते हैं। इसलिए लोकल आदमी तो लोगों की पहचान है। हम बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ताओं का आप पूछेंगे, जाके चांदरू बाजार में जाओगे, अचलपुर में जाओगे, अंजनगांव दरियापुर में जाओगे या अमरावती शहर में भी पूछेंगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें लोकल आदमी अगर मिलता है तो बाहर के लोगों की आवश्यकता नहीं। अगर हमारे पास ही इतना बड़ा वोट है, आज के तारीख में हमारे बीजेपी का वोट है, हमारे राम लल्ला जी का आशीर्वाद है, आपने देखा है, और हमारे कार्यकर्ता इतने सब अभियान जब पूरे कर रहे हैं, वैसे हमने देखा कि गाँव चलो अभियान,
मैं उसका मुख्य संयोजक रह चुका हूँ। हमारे 1975 बूथ है, हम हर एक बूथ में जाके हमारी बूथ कमेटी तैयार हुए है, हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हुए हैं, तो हमारा संगठन जो पूरा मजबूत है ये बीजेपी का संगठन। इसलिए यहाँ पे हमारे देवेंद्र जी ने उस दिन बोला कि यहाँ पे भाजपा ही लड़ेगी, क्योंकि यहाँ वोट भाजपा का है। खाली लोगों की सोच है कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। और आप जैसा बोले कि जब रिजर्वेशन कंस्टिट्यूएंसी है और कम्युनिटी की आप राजनीति आप जब बोल रहे हैं, तो वो भी लोगों का कहना जायज है कि जिस कम्युनिटी के वजह से यहाँ रिजर्वेशन मिलता है जी। जिस कम्युनिटी के, देखो यहाँ हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी यहाँ पे है, अब उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से आई एम बिलोंग टू द बुद्धिस्ट कम्युनिटी सो आई एम नॉट टॉकिंग, मैं उस कम्युनिटी से बिलीव करता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा है। किसी भी लोगों की मांग रहेगी कि भाई हमारे यहाँ लोग 17-18% है और या 3.5-4 लाख वोटिंग है, इन लोगों के प्रॉब्लम प्रतिनिधि तो मिलना चाहिए कि इन लोगों के जो अलग प्रॉब्लम्स है, शैक्षणिक हो, सोशल हो या अलग कोई प्रॉब्लम्स हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे राष्ट्रीय परिस्थिति, मुझे लगता है कि सन्मान्य दिवंगत राजीव जी जब पीएम थे, राष्ट्रीय लेवल पे एक समिति गठित की थी और उस दिन से चला कि रोटेशन पद्धति से में रिजर्वेशन जाना चाहिए। वो इसीलिए जाना चाहिए कि आज अमरावती में रिजर्व डिलिमिटेशन में है, तो ये जो एससी कम्युनिटी, इनके जो प्रॉब्लम है ओपन में अगर सॉल्व नहीं हुए, तो यहाँ अगर 15-20 साल रिजर्वेशन की सीट आती है तो वो प्रायोरिटी उनके कम्युनिटी देकर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। ये अगर वहाँ पे थोड़ा सा सेटलमेंट हो गया तो उसके बाद रिजर्वेशन ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो बुलढाणा में जाएगा, जैसे बुलढाणा से अमरावती में है, अमरावती से नागपुर में जाएगा, नागपुर से चंद्रवती में जाएगा, तो वहां रोटेशन जब घूमता रहेगा तो ये सुविधाएं की है कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम्स है और मेजर कम्युनिटी उसके लिए। अब ये मेजर कम्युनिटी के लोग मांग कर रहे हैं, जैसे हमारे कम्युनिटी के महासंघ के मांग कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी है उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, हम तो आपके साथ में है, फिर भी वो कम्युनिटी के खुद के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए उनको प्रतिनिधि तो मिलना चाहिए। अब ये भी बात सभी पार्टियां देखती है, तो उसमें 15 साल हो गए रिजर्वेशन को यहाँ पे, जी शायद ये आखिरी टर्म है, अगले साल से अगले टर्म में रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं रहेगा जी। 15 साल यहाँ पे एससी कैटेगरी के आमदार, 10 साल आनंद राव अरसुल रहे यहाँ पे, 5 साल नवनीत राणा रही जी। 2009 से चलते हैं जब से आना, क्या प्रॉब्लम थे, क्या सॉल्व हुए होंगे पिछले 15 सालों में आपके एससी कम्युनिटी के, जो आप बोलते हैं कि उसके कारण जो सीट यहाँ पे रिजर्व की गई है उसको कहीं कोई एक आधा प्रोजेक्ट आपको ध्यान में आता है कि ये 3 टर्म में किसी ने कोई इसके तरफ ध्यान भी दिया? ये तो भली बात ही आप भी जानते हो और मेरे से बेहतर जानते हो, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फिर क्यों उस पर आवाज नहीं उठी? फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने जो पहले बताया कि लोकल आदमी जो रहता है उसको ये सारी प्रॉब्लम की मालूमात रहती है और वो उससे जुड़ा रहता तो उसका मन भी उधर रहता कि यस मेरे लोगों के लिए या मेरे गांव के लिए या मेरे जिले के लिए मुझे ये करना चाहिए, उसकी जो इच्छाएं रहती करने की, तो वो मुझे लगता है कि वो उतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए था रिजर्वेशन में। देखिए एक ही क्षेत्र अगर देखो आप, सामाजिक न्याय विभाग देखो, समाज कल्याण जिसे आप बोलते हैं, एससी कम्युनिटी के लिए इतना सारा पैसा है, इतनी सारी सुविधाएं हैं और इतनी सारी योजनाएं स्कीम्स है, आप अगर देखे जाए कि इन 4-4.5 लोगों में से कितने बच्चे आज तक उनको रोजगार मिला, एससी कम्युनिटी के लिए कौन से अलग से प्रोजेक्ट यहाँ पे खड़े कर दिए, एससी कम्युनिटी के लिए ये 15 साल में कुछ ऐसा कोई अलग काम हुआ है क्या? सिर्फ एससी कम्युनिटी के लिए काम करना ये प्रतिनिधि का नहीं, चुन के आने के बाद तो वो सभी का प्रतिनिधि रहता है, एससी कम्युनिटी को प्रायोरिटी देने के लिए तो रिजर्वेशन है, तो ये काम 15 साल में कुछ हुआ नहीं, ये सभी लोगों का आरोप है। नहीं, मुझे ये लग रहा था कि हम जब लोकसभा का कोई खासदार चुन के देते हैं उस कैटेगरी के लिए संसद में अपने प्रश्न रखे, संसद में उनकी बात करें, संसद में कोई उनके लिए अन्याय होता, संसद में उनकी कोई दिव्य सुविधा को तो वहां बात करें, क्योंकि क्या हम यहाँ से संसद के लिए चुने, देश चलाने के लिए, अमरावती चलाने के लिए शायद मुझे नहीं लगता कि हम खासदार चुन के देश चलाने के, नियम बनाने के लिए एससी कम्युनिटी के लिए कोई नियम बनाए तो संसद में बनाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन फिर स्टेट है, लोकल बॉडीज है, स्वराज संस्था है, सारी ये सारी चीजें होती, लेकिन जो नियम और उनके लिए सुविधा और जो बनाना चाहिए उनके लिए एक जो भी वो योजना बना वो सारी केंद्र से बनी, उसके लिए मुझे लगता है कि चुन के देना चाहिए, न कि लोकल इसके लिए। आपको क्या लगे, लोकल प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्र में जाके वहां पे काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, एक्चुअली
ये जो एएमपी की सीट है वो धोरणात्मक निर्णय लेने के लिए सेंट्रल लेवल के लिए ठीक है, उनको वही काम करना चाहिए कि वहाँ नियम बनाने चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ भी थोड़ा सा लोकल प्रॉब्लम भी उधर रहता है, तो उसकी तो पूर्तता होनी चाहिए ना। जैसे आपने बताया चुन के आने के बाद फिर सबका आता, वो तो कॉमन प्रॉब्लम आ गया ना, फिर एक विशेष जाति के लिए जो धोरणात्मक निर्णय लेना है और एक नहीं है और भी वहाँ पे वो संसद में काम करना है उनको। मुझे ऐसा लगता है कि हम संसद में बैठ के जब बात कर रहे हैं, कॉमन प्रॉब्लम तो सभी और होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम सभी और होते हैं, लेकिन मैं जिस कंस्टिट्यूंसी से हूँ, जिस कंस्टिट्यूंसी वो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है और मैं जिस कम्युनिटी के हूँ, उनके भी कोई खास प्रॉब्लम होते हैं ना। यहाँ के अमरावती के क्या पिछले 15 सालों में आपने प्रॉब्लम देखे जो सॉल्व होने चाहिए था, इन खासदारों ने ध्यान नहीं दिया? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे गिने जाए तो कॉमन प्रॉब्लम भी आप देखो, कोई योजना जो आनी चाहिए थी नहीं आई, कोई को सुविधा मिलनी चाहिए थी, हम लोग तो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग बोलते हैं कि भंडारा जैसे छोटे जिलों में से प्लेन टेक ऑफ करता है, हमारा अमरावती डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, एससी कैटेगरी के कहां विशेष नहीं, कॉमन प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। ये जो देखो हमारे यहाँ पे शैक्षणिक क्षेत्र ये बहुत है, मतलब क्या बोलते कि फैक्ट्री है हमारी, पुणे के बाद हमारा शिक्षण का माहिरगढ़ जो बोलते हैं, पुणे अमरावती बोलते हैं, एजुकेशन सिटी है, बरोबर एजुकेशनल सिटी है, लेकिन हमारे यहाँ उन बेरोजगारों के लिए प्रोजेक्ट किधर है? अब ये बड़े बड़े देखो एमएसएमई है जहाँ सूक्ष्म छोटे उद्योग रह सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे एक क्लस्टर का नागपुर में बहुत बड़े प्रोग्राम हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, हमारे अमरावती में एक भी नहीं हुआ, बरोबर है। जैसे तुम्हारा 200 करोड़ का एक वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, उसका एक्सटेंशन भी अमरावती में नहीं आया, एक संभाजीनगर में है, दूसरा तुम्हारा नागपुर में है, तो हमारा भी विभागीय सिटी है, ये विभागीय सिटी होने के लिए होने के बावजूद भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नहीं है। सात इंडिया के थे उसमें से एक अमरावती आया बोलते ना, किधर है? आएगा ना, उसको टाइम तो हर चीज को लगता है, वैगन कारखाना बहुत साल पहले डिक्लेयर अभी तक बन ही रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी प्रोसेस एक दिन में तो होते। मेरे को एक आपसे बात करनी, मैं हालांकि बहुत दिन से मेरे मन में प्रश्न है, मैं आपसे इसलिए खुल के बोल सकता है, बात आती है एयरपोर्ट की जी, एयरपोर्ट यहाँ के विकास में रोड़ा ऐसा बताया उसके कारण यहाँ विकास नहीं हो रहा, जैसे आपने बताया कि एयरपोर्ट भंडारा में हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो बहुत बार प्रश्न आता है इस चीज़ से कि एयरपोर्ट की क्या आवश्यकता अमरावती में, क्यों उसका विकास रुका? आप भी अमरावती से बाहर भी गए, बाहर भी घूमे, नागपुर भी गए, बॉम्बे भी गए, दिल्ली भी गए, पुणे भी गए, हम बॉम्बे की बात करते हैं, बॉम्बे में कहीं पे आप कहीं पे बॉम्बे रह जाओ और आपको एयरपोर्ट जाना है, कितना समय लगेगा आपको एयरपोर्ट पहुंचने को? और कॉमन से कम एक घंटा पहले भी जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, कितना समय लगेगा? एयरपोर्ट जस्ट वी आर टॉकिंग एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस जी, मैं बिजनेस के उससे समय में आपको आ रहा हूँ, क्योंकि हम हर बार एयरपोर्ट का और एयरपोर्ट के नाम पे कई लोग वोट भी ले लेते हैं और कई लोग एयरपोर्ट के नाम पे वोट भी। मैं सोचता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनकी पहली प्रायोरिटी क्या रहती है, वहाँ पे एयरपोर्ट है क्या? मुझे मैं वही आ रहा हूँ आपको कि पहली प्रायोरिटी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की। मैं एयरपोर्ट पे इसलिए आपसे बात कर, आपसे मैं खुल के बात कर सकता, आपसे दोस्ताना भी है और राजनीतिक संबंध भी है। एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो कहीं से जाओ बॉम्बे, 2 घंटे आपको एयरपोर्ट पहुँचने पर लग जाते हैं, आप चर्चगढ़ से निकलो, इधर से निकलो, बोरीवली से तो नजदीक पड़ा, आप थाना से निकलो, 2 घंटे एयरपोर्ट पहुंचने में, ट्रैफिक है, ये है सारा। 1.5 घंटे की दूरी पे नागपुर का एयरपोर्ट है अमरावती में, अमरावती से 1.5 घंटे यदि MIDC की बात करते हैं तो 1.5 घंटों में एयरपोर्ट है, सारी इंटरनेशनल फ्लाइट वहाँ पे, कोई फ्लाइट नागपुर से नहीं उड़ती, हर एक एक घंटे में फ्लाइट से 1.5 घंटा मात्र 1.5 घंटे की दूरी पे जाके बॉम्बे में दो रखते हैं, फिर एयरपोर्ट विकास में रुकावट कैसे होती? क्यों नेता लोग बार बार एयरपोर्ट की बात करते हैं सिर्फ वोट बटोरने के लिए कि एयरपोर्ट नहीं? आपने बोल दिया कि एयरपोर्ट नहीं है, अब आने के बाद में आपको मालूम है केंद्रीय उसके 2 फायदे हो सकते हैं, एक तो कॉमन मतलब जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी एक फायदा हो सकता है। देखो पूरी दुनिया में जो सुविधाएं होती है, आपने आज क्वेश्चन पूछा कि क्या आवश्यकता है, तो हम लोग बोलेंगे फिर आवश्यकता बोलना, देखो एक सुविधा होना बात अलग है और उसके कारण कोई काम रुक जाना, पहली बात हो तो सुविधा होनी चाहिए। जैसे आप बोलेंगे कि मेट्रो का क्या आवश्यकता थी नागपुर में, मेट्रो की क्या आवश्यकता है पुणे में, मुंबई कैसे, लेकिन ये सुविधा होने वाली है कुछ दिन उसके बाद आवश्यकता है, 10 साल बाद उसकी, यस कुछ दिन बाद उसकी आवश्यकता है, और आज के तारीख में बिजनेसमैन के पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। अब वो संभाजीनगर में बिजनेस सेटल कर रहे, नासिक में बिजनेस सेटल कर रहे, वो आपके पुणे में बिजनेस सेटल कर रहे हैं,
वो नागपुर में बिजनेस सेटल कर रहे हैं, तो अमरावती में क्यों नहीं हो रहा है? जब जब हम कभी इसके बारे में सोचते हैं, आगे मैंने जॉब फेयर लिया था, आपने देखा होगा कि साइंस कोर में मैंने सबसे बड़ा जॉब फेयर लिया था, एक दिन 5,778 वहाँ पे जॉब अपने दिए थे 1913 में, मेरे इलेक्शन के पहले, सॉरी 2013 में मेरे इलेक्शन के पहले। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जब गया और उनको यहाँ जब न्योता दिया गया कि आप आइएगा और आपने को जितनी वैकेंसी है, हमारे यहाँ के सब सारे बच्चे इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर सब टेक्नीशियंस हैं, आपको स्किल अनस्किल लेबर सब मिल जाएंगे। वो पहले मेरे को पूछ रहे थे वहाँ पे एयरपोर्ट है 150-150 घंटे की दूरी पे एयरपोर्ट नहीं, ये ठीक है ना? वो उनको किसे समझाए? वो तो बोलते नहीं, हमारा एक एक मिनट है, हमारा एक एक मिनट है, हम 1.5 घंटे स्पेंड क्यों करें? अगर उनकी ऐसी प्रायोरिटी है तो हम सब चीजें जो कर रहे हैं हम वो प्रायोरिटी क्यों ना दे हम काम करने की। यस, हमारे यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए क्योंकि उसमें सब बिजनेसमैन बोलते, अगर हुए ना ही हुए, उनके पास रहे ना, लेकिन उनका प्रॉब्लम होता है, वो पहली चीज पूछते आपके यहाँ पे एयरपोर्ट है। हम वापस अभी जगह पे, हमको बाहर के लिए लोगों के लिए एयरपोर्ट चाहिए कि गांव के लोगों के लिए एयरपोर्ट? दोनों के लिए चाहिए। वो हमारे इंडस्ट्री रूप से अपने यहाँ सबसे पहला जाने का काम है बम्बई। हाँ, जितनी अच्छी सुविधा अमरावती से ट्रेन की होती है, एयरपोर्ट की नहीं रहती अपने। नहीं रहती, वो नागपुर से इसलिए कन्वीनियंट नहीं है, नागपुर से है, 2 घंटे की दूरी पे, हर व्यक्ति 2 घंटे की दूरी पे एयरपोर्ट में पहुंच जाता है, तो वो ठीक है। आपने जो कहा कि किसी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे आना है, बाहर से आना, विदेश से आना है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसलिए विकास रुका। मैंने क्यों आवश्यकता होनी चाहिए, मेरे जैसे दिमाग में प्रश्न है, लोगों के दिमाग में प्रश्न है। 100% उससे रुका ऐसा नहीं, वो विकास रुकने में एक प्रॉब्लम उसका भी हो सकता है कि बिजनेसमैन की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो 10 रिक्वायरमेंट होते हैं उसमें से एक रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी एयरपोर्ट होती है, वो अमरावती में हुआ नहीं। ये आज तक होना चाहिए था लोगों की। अभी ये आप बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की, आप 1980, 1977, 1978, 1978, 1970 के पहले आप चले जाओ, आपने भी सारा देखा। अब जहाँ बैठे हैं यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे सफ़ेद पहाड़ लगा करते जी, वालकट कंपाउंड नाम है, वालकट यहाँ पे आया था जी, ट्रेन की सुविधा नहीं थी, बस की सुविधा नहीं थी, सारे एशिया का सबसे बड़ी मंडी यहाँ पे कॉटन की थी, अमरावती का वैभव बहुत था, अमरावती वैभवशाली पहले से जी जी, राजनीति लोगों के बरसने, यहाँ की परंपरा, यहाँ के लोग, यहाँ का मंदिर, यहाँ के लोग, यहाँ का बिजनेस, यहाँ पे CP&Behrer का पूरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हुआ करता था, लोग तब भी यहाँ से, फिल्मों इंडस्ट्री से बड़े शायद शौक शायद किसी के नहीं होंगे, किसी इंडस्ट्रीज के भी नहीं होंगे, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे था, तेल की बहुत बड़ी यहाँ पे मार्केट था, मार्केट पहले हुआ करता, जैसे जैसे राजनीतिक विकास लोगों का होता गया, लोगों ने धंधे बदलते गए, बाहर फैलते गए, कैसा है? और विकास नहीं, अमरावती का विकास पहले जो था बता रहे ना, हमने तो बचपन में देखा सारा का सारा, सारे के सारे यहाँ से, आप 100 में से 80 लोगों को पूछेंगे ना, कॉमन पब्लिक को, क्यों नहीं हुआ, तो पहली उंगली जाती है पॉलिटिशियन की तरफ। 10 साल 20 साल अगर आप पूछते थे कि अरे अकोला शहर तो छोटा है, PKV वहाँ क्यों गए, अमरावती में क्यों आए, विभागीय शहर है, तो लोग क्या बोलते थे, अरे वहाँ के पॉलिटिशियन आंदोलन तो अमरावती से हुए थे, बरोबर है, 13 लोग तो यहीं से मरे, यहीं से मरे, दंगे में भुगते हमने, बरोबर है, तो लोग बाग क्या बोलते थे कि प्रॉपर पॉलिटिशियन नहीं था। ये देखो दूसरी बात ऐसी, हमारे पंजाब राव देशमुख कृषि मंत्री हुए थे, नहीं उनकी बात की बात है, ये देखो उनकी बात की बात है कि लोगों का कहना क्या है, किसी भी अगर कोई सुविधाएं नहीं होती है या कोई डेवलपमेंट नहीं है होती है तो पहली उंगली जाती है वो पॉलिटिशियन की तरफ, और उनका लोगों का सही भी है। देखो एयरपोर्ट तो अपर वर्धा, आज अकोला की बात करते हैं, अकोला में हफ्ते में एक दिन पानी आता है, औरंगाबाद की बात करते हैं, हफ्ते में एक दिन पानी आता है। सर कैसा है पानी की सुविधा, जो किसके पॉलिटिशियन के आगे की सोच, नहीं लोगों की सोच, लोगों की सोच बता रहा हूँ, बताना पड़ेगा लोगों की। आप क्या होता है कि हम हमेशा हमको सही बताने के चक्कर पुराने को सबको गलत बता देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लोगों की सोच बता रहा हूं। क्या क्या सुविधा मानते हैं आप उसके, आज आसपास के सारे, आप बुलढाणा चल जाओ, आसपास की बात की, अकोला की आपने बात की, अभी आपने औरंगाबाद की आज की, आपने पूना की बात की, हफ्ते हफ्ते पर पूना में पानी नहीं है साहब, जितनी सुख सुविधा अमरावती में ड्यू टू पुराने पॉलिटिशियंस ना। हम लोग अभी जो 2009 से बात कर रहे हैं, सुनिए, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द डिलिमिटेशन, 2009 से बात करें, 2009 से तो भाजपा की सरकार है, फिर सरकार भी क्या आपस में भाजपा की सरकार थी, भाजपा का प्रतिनिधि नहीं था ना, नहीं भेदभाव नहीं, जिसने दिया भाजपा को समर्थन दिया यहाँ से, पिछली बार भाजपा के समर्थन में, आनंद राव भाजपा के समर्थन में दिया, इसलिए सरकार थी,
अभी भी इसलिए तो हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे सभा सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे उच्च पदस्थ नेताओं से मांग की कि हमारा कैंडिडेट अभी कमल पे लड़ना चाहिए। हमने बहुत लोगों को समर्थन दिया है, वोटिंग परसेंटेज हमारा ज्यादा है, लेकिन क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो समस्या है, वोटिंग परसेंटेज गिनते एक तो आमदार नहीं है आपका 6 में से। देखिए कैसा है, आमदार और ये लोकसभा का, ये दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। लोकसभा का वोटिंग परसेंट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे 19 मंडल है, 19 मंडल में हमारी पूरी कार्यकारिणी है, 19 मंडलों में हमारे जितने बूथ है 1975 में हमारी पूर्ण कार्यकारिणी है, और जो जो शासन की योजनाएं थी, अब मोदी जी की इतनी योजनाएं दी है, सब महिलाओं से लेकर तुम्हारा संकल्प भारत लेकर, गांव चलो अभियान लेकर, लाभार्थियों से लेकर, ये सब योजनाएं हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को पूरी करके हम सामान्य लोगों से जुड़े हैं। और आज के तारीख में योजना लोगों तक पहुंची ना, पहुंची है, डेवलपमेंट भी हुआ आपके माध्यम से, भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से योजना सामान्य लोगों तक पहुंची है, और उसलिए भाजपा का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत की वजह से और हमारी मोदी जी का नेतृत्व और देवेंद्र जी का नेतृत्व, इन दोनों के नेतृत्व के वजह से सामान्य लोगों की जो सुविधाएं मिली, वो सुविधाएं पहुँचाने में शासन का जितना मतलब हाथ है, मतलब उन्होंने जो श्रम किए है, उन्होंने हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी किया है। इसलिए हमारा संगठन जो है, ये सभी जानते हैं कि भाजपा का संगठन जितना मजबूत है, तो दूसरा किसी का संगठन यहाँ पे इतना मजबूत नहीं है। तो इसलिए जाए जाए कि हमारे पदाधिकारियों की मांग है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो टिकट हमारे कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के दो बड़े नेता जी, देवेंद्र जी फडणवीस, नितिन जी गडकरी, दुर्गा ननियाल यहाँ पे, क्यों विकास रुका फिर 10 सालों में? सॉरी, देवेंद्र जी फडणवीस जी, नितिन जी गडकरी, दोनों के ननियाल यहाँ पे जी, क्यों विकास रुका अमरावती का फिर? नहीं, अमरावती का विकास रुका ऐसे किसने बोला? आपने कहा ना अभी नहीं, लोकल देवेंद्र जी ने और गडकरी ने जो करना चाहिए था, एयरपोर्ट भी रुका हुआ है। मैं जस्ट ये जो प्रतिनिधि बने लोकसभा के और विधानसभा के, अब देवेंद्र जी का पूरा महाराष्ट्र उनको देखना पड़ता, नितिन जी को पूरा भारत देखना पड़ता, यहाँ का जो लोकल प्रतिनिधि रहता है उनको खाली उसकी कंस्टिट्यूएंसी देखनी पड़ती है, और उसने कंस्टिट्यूएंसी पे ध्यान देकर हमारे प्रॉब्लम्स क्या है ये सॉल्व करना चाहिए। अब देवेंद्र जी ने भी यहाँ पे देखो, मैं हमारी एससी कम्युनिटी की बताता हूँ, मैं तो मेरे पर्टिकुलर बौद्ध कम्युनिटी से भी बताता हूँ कि देवेंद्र जी ने हमको जिस आज तक 50-60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, देखो हमारे जो स्वर्गीय दादा साहब गवई है उनके स्मारक के लिए पैसे दिए है, यहाँ पे हमारे भीमटेकड़ी के उन्होंने 17-18 करोड़ दिए, वहाँ 20 करोड़ दिए है उन्होंने, हमारे और भी कई क्षेत्रों के लिए सभी जगह दिया, बरोबर ना? हमारे मोदी जी ने तो हमारे बाबा साहब का पंचसूत्री कार्यक्रम लिया है, हमारे बाबा साहब का जो जन्मस्थल है मऊ उनका डेवलप करके स्मारक किया है, हमारा इंदू मिल का प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है, हमारे बाबा साहब का लंदन का घर हमारे शासन में देवेंद्र जी ने वो मोल लिया है, खरीद लिया और हमारा स्मारक वहाँ पे बना और हमारे बच्चों को जाने के लिए वहाँ पे सुविधा बनाई है। मैं इस प्रोग्राम में विजयादशमी के प्रोग्राम में गया था तो नागपुर हमारे जो दीक्षा भूमि क्षेत्र है वहाँ के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये जाहिर किया है और उसी दिन 40 करोड़ का चेक दिया और 70 करोड़ रुपए जाने के दिए। ये जो एससी कम्युनिटी के लिए हमारी सरकार कर रही है ये आज तक किसी ने किया, हम तो कृतज्ञ हैं। हमारे समाज के महासंघ के बौद्ध समाज के नेता भी बोलते हैं कि देवेंद्र जी ने जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है, हम तो बड़े नेता का वो मानती है लेकिन लोकल लोगों ने जो करना चाहिए वो लोगों के नज़र में आज भी ऐसा है कि थोड़ा सा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो प्रॉब्लम्स है वो उतने सॉर्ट आउट नहीं हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे भाजपा का यहाँ का कार्यकर्ता रहे और हमारा लोकल कार्यकर्ता रहे। शुरुआत जहाँ से की थी अपने नवनीत राणा से जी, अभी आपका बोलना है भाई पिछले 5 सालों में, उसके पहले 10 सालों में जो प्रतिनिधि ने यहाँ ध्यान देना चाहिए था, और नवनीत राणा तो भाजपा के पूरी साथ में थी, समर्थन ने किया, भाजपा का पूरा यानी डंका लेके घूमा, भाजपा के कारण कई जगह से उन्होंने विरोध भी लिया है जी। अब आप कहते हैं कि लोकल, अब समझो कल भाजपा में नवनीत राणा प्रवेश करती है और वो समझो भाजपा के, आपको तो कार्य करना ही करना जी, अब भाजपा से रहने के बाद में और अभी रहने के, उसकी कार्यशैली में फर्क आएगा आपको लगता है फिर बाद में, कि आपके फिर विचार बदलेंगे उसके उनके लिए? बिल्कुल फर्क आएगा, कि मैं पहले शिवसेना में था जी, हमारी स्टाइल अलग थी काम करने की,
उसके बाद में मैं कांग्रेस में आया तो स्टाइल अलग थी, और आज हम भाजपा में आए दोनों मिक्स वाली स्टाइल इसमें आ गई। नहीं, ये यहाँ डिसिप्लिन है, यहाँ की जो शिस्त है, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ, आप जानते हो, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सभी चीज़ को देखता हूँ। हमारे यहाँ पे जो जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपकी, गांव चलो अभियान का संयोजक था। जब कार्यशाला ली गई, कार्यशाला में मैं, हमारे अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री जी रणधीर जी सावरकर, हम ये प्रमुख है तो यही ले रहे, मेरे से उच्च पदस्थ नेता वो हमको सुन रहे। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता कि भाई हम उच्च पदस्थ थे किसी में कार्यक्रम में बैठेंगे वो करेंगे, इसलिए कोई भी पार्टी में आए तो वो पार्टी के हिसाब से ही उनको चलना चाहिए। आप सभी देखे ना, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, लेकिन पार्टी का जो डिसिप्लिन है, यह आदमी सीधा हो जाता है। यहाँ पार्टी सबसे ऊपर देश है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति है। तुम्हारा व्यक्तिगत क्या कैलिबर है वो पार्टी ढूंढती है, और वो उसके तहत उससे काम करवा लेती है, किसी से भी कुछ भी काम करवा नहीं लेती। इसलिए हमारी पार्टी इतने जल्द ऊपर आ रही है और सब लोग यहाँ पे खुश है, किसी की कोई ये नहीं है, शिकायत नहीं है। तो पार्टी में जो कोई भी आएगा तो हमारी पार्टी के मुताबिक काम करना पड़ेगा, उनकी स्टाइल नहीं चलेगी। भाजपा कमल से आज तय है कि भाजपा टिकट, भाजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी, आपको देती है, किसी और को देती है, और किसी और को देती है, नाम कोई भी हो सकता है। क्या लगता है बीजेपी की कमल पे यहाँ पे लोकसभा का खासदार चुन के आएगा, और क्यों आएगा? बिल्कुल आएगा। बीजेपी का देखो, कोई भी चीज जीतने के लिए एक तो उसका नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात उसका संगठन मजबूत होना चाहिए। उनमें से एक भी चीज रही तो भी अपन इलेक्शन जीत सकते हैं। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हमारा संगठन भी मजबूत है और हमारा नेतृत्व, आप तो मोदी जी जैसा कोई नेतृत्व नहीं है, और हमारे प्रदेश में देवेंद्र जी जैसा कोई नेतृत्व नहीं है। हमारे पास दोनों चीज़ है, इसलिए हम तो जीतने का मतलब हारने का सवाल ही नहीं उठता, हम जीतेंगे जीतेंगे। ये थे सिद्धार्थ वानखड़े, नेतृत्व और संगठन के भरोसे। उम्मीदवार कोई भी रहे, जीत की आशा पक्की है कि भाजपा की टिकाई, चाहे भले छह मतदार संघ में एक भी इनका आमदार नहीं रहे, उसके बावजूद इरादे बुलंद है। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास यहाँ पे उन्होंने शेयर की, कुछ चर्चा भी अच्छी रही, कुछ नई बातें भी इनसे आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।